हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के कंटिन्यूएशन में आज हम सॉल्व करेंगे सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9C क्वेश्चन नंबर 22 ऑनवर्ड्स, व्हिच इज बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें टू मैट्रिसेस गिवन है, मैट्रिक्स पी एंड मैट्रिक्स क्यू, एंड वी हैव टू कंप्यूट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इन पार्ट वन एंड इन पार्ट टू पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू, एंड देन वी विल नोटिस इफ बोथ द पार्ट्स आर इक्वल और नॉट। तो चलिए फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करते हैं, दैट इज पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। पुट द वैल्यूज ऑफ बोथ द मैट्रिसेस। पी स्क्वायर मीन्स पी मल्टीप्लाई बाई पी, मैट्रिक्स पी मल्टीप्लाई बाई सेम मैट्रिक्स, एंड इन द सिमिलर वे की क्यू स्क्वायर विल बी मैट्रिक्स क्यू मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। नाउ मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो कंसीडर करेंगे और सेकेंड मैट्रिक्स की कॉलम कंसीडर करेंगे। नाउ सब्ट्रैक्ट सेकेंड मैट्रिक्स फ्रॉम फर्स्ट, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। 5 माइनस 1 4, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 4 माइनस 4, एंड 5 माइनस 1 4, दैट इज द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। चलिए अब सेकेंड पार्ट कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है पी प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाय पी माइनस क्यू। वैल्यू पुट कर रहे हैं बोथ द मैट्रिसेस। Then P minus Q corresponding elements will be added and subtracted. 1 plus 1 2, 2 plus 0 2, 2 plus 2 4, and minus 1 plus 1 0. Now multiply these two matrices. That is 0, 0, 0, 8. चलिए देखते हैं क्या दोनों parts की value equal है। This is answer for part 1, p square minus q square, and this is answer for part 2, p plus q multiply by p minus q. अगर हम simple algebra की बात करें तो हमने ये formula study किया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। एलजेब्रा के लॉज मैट्रिसेस में फॉलो नहीं होते हैं और आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है। इट मीन्स पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू इफ पी एंड क्यू आर मैट्रिसेस इन जनरल। किसी पर्टिकुलर केस में ये पॉसिबल है, बट इन जनरल इट इज नॉट पॉसिबल। By part 1 and part 2, we can see P square minus Q square is not equal to P plus Q multiplied by P minus Q. Next question. Question number 23 में हमें 3 matrices given है, matrix A, matrix B and matrix C, and we have to find ABC, ACB. State whether ABC is equal to ACB or not. चलिए हमें टू पार्ट्स फाइंड आउट करने हैं और उसके बाद देखना है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। आप जानते हैं कि मल्टीप्लीकेशन में AB is not equal to BA in general. Even ये भी ज़रूरी नहीं होता है कि AB अगर पॉसिबल है तो BA भी पॉसिबल होगा। ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं जहाँ पे हमने 9th मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस सीखा था। तो चलिए इस पर्टिकुलर केस में हमें चेक करना है ABC ACB के इक्वल है या नहीं। इन जनरल तो ये इक्वल नहीं होता है, बट वी हैव टू चेक इन दिस पर्टिकुलर केस। तो चलिए फर्स्ट पार्ट की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर रहे हैं। ABC तीनों मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं और अब हम वन बाय वन इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले AB को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। और अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे सी से। C
So the value of ABC is minus 15, minus 30, minus 7 and minus 14. चलिए अब सेकेंड पार्ट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. दैट इज ए सी बी. तीनों मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे. देन वी विल चेक बोथ आर इक्वल और नॉट. दिस इज मैट्रिक्स सी एंड देन मैट्रिक्स बी. फर्स्ट टू की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम. अब मैट्रिक्स बी से इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे. वैल्यू ऑफ ए सी बी इज माइनस 18, माइनस 36, माइनस 24 एंड माइनस 48. You can see both the parts are not equal. ABC is not equal to ACB. Next question, question number 24 में भी हमें three matrix given है, matrix A, B and C. Find each of the following and state if they are equal. इस क्वेश्चन में भी हमें टू पार्ट्स फाइंड आउट करने हैं और देखना है कि वो दोनों इक्वल हैं और नॉट. चलिए फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व कर रहे हैं. वी हैव टू फाइंड सी ए प्लस बी. वैल्यूज पुट कर दीजिए. सी ए फाइंड आउट करने के लिए मैट्रिक्स सी को मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स ए से. Now add these two matrices, corresponding elements will be added. This is the value of CA plus B. Now calculate the second part, A plus CB. तीनों matrix की value हम put करेंगे. पहले multiply करेंगे C और B की और फिर हम दोनों matrix को add करेंगे. फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज और सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे. और अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं. दिस इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस सी बी. और आप देख सकते हैं दोनों वैल्यूज डिफरेंट हैं बाय पार्ट वन एंड पार्ट टू. सी ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू ए प्लस सी बी. क्वेश्चन नंबर 25 में हमें टू मैट्रिक्स गिवन है मैट्रिक्स ए एंड बी. फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू बी. हमें एक ऐसा मैट्रिक्स एक्स फाइंड आउट करना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे. कंडीशन है ए एक्स इज इक्वल टू बी. चलिए वैल्यूज पुट करते हैं. मैट्रिक्स ए की वैल्यू हमें गिवन है, एक्स हमें फाइंड आउट करना है एज इट इज हमने नोट किया है एंड दिस इज मैट्रिक्स बी. अब देखिए विजन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल. मींस ऐसा नहीं हो सकता है कि एक्स को फाइंड आउट करने के लिए आप ए को इधर डिवीजन में ले जाएं. हमें इसी सिचुएशन में वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक्स को लेट करना होगा. और किसी भी मैट्रिक्स को हम तब लेट कर सकते हैं जब उसका ऑर्डर हमें नोन हो, उसी के अकॉर्डिंग उसके एलिमेंट्स हम लेट कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स. अब कैसे इसका ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे. मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2 by 2 और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है 2 by 1. और मैट्रिक्स बी जो है वो ए और एक्स के मल्टीप्लीकेशन से मिला है. तो मैट्रिक्स ए और एक्स की मल्टीप्लाई हुई है. इट मीन्स कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल टू रोज इन मैट्रिक्स एक्स. एंड ये वन जो है ये आपको बताएगा कि एक्स में कितने कॉलम थे. यानी एक्स का ऑर्डर रहा होगा 2 by 1. तभी ए और एक्स की मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है बिकॉज ये इंटीरियर एलिमेंट्स आर इक्वल. कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू रोज इन मैट्रिक्स एक्स.
और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो 2 by 1 ऑर्डर का होगा. इट मीन्स ऑर्डर ऑफ एक्स इज 2 by 1. उसमें 2 रोज होंगी और 1 कॉलम होगा. अब हम इसको लेट कर सकते हैं. 2 रोज एंड 1 कॉलम. कॉलम एक ही बनाना है. सपोज इसका फर्स्ट एलिमेंट एक्स है और सेकेंड एलिमेंट वाई है. अब देखिए इसमें 2 रोज है और 1 कॉलम है. दिस इज द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए. इस फॉर्म में हम इस मैट्रिक्स को लेट कर सकते हैं. आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं लेट मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई. अब ये एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो हम मैट्रिक्स एक्स फाइंड आउट कर लेंगे. तो चलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकेंड वाले से. एंड दिस इज इक्वल टू 3 - 11. कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे. इट मीन्स 2x + y इज इक्वल टू 3. दिस इज इक्वेशन 1. एंड x + 3y इज इक्वल टू -11. दिस इज इक्वेशन 2. अब इन्हें साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करेंगे फॉर x एंड y. तो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 3 से. एंड नाउ सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन फ्रॉम 2. एक्स इज इक्वल टू 4. नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू आइदर इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2. बाय इक्वेशन 1 2x, एक्स इज 4. वाई इज -5. इट मीन्स मैट्रिक्स एक्स जो था एक्स वाई दैट इज 4 - 5. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 26. इफ ए इज इक्वल टू दिस फाइंड ए -2i मल्टीप्लाई बाई ए -3i. आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है. डायगोनल उसके एलिमेंट्स 1, 1 होंगे और अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. अगर 2 by 2 ऑर्डर का है तो ये होगा. सब्ट्रैक्शन और एडिशन केवल इक्वल ऑर्डर वाले मैट्रिसेस का पॉसिबल है. इट मींस जो ए का ऑर्डर होगा वही आई का ऑर्डर होगा. और मैट्रिक्स ए हमें गिवन है. ये एक 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है. इट मींस हमें इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 by 2 ऑर्डर का ही लेना है. ये मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट की है. सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है ए -3i. चलिए सॉल्व करते हैं. टू से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई होगा. इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट होंगे. 4 में से 2 माइनस होगा एंड सिमिलरली 2nd मैट्रिक्स में भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट होंगे. अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे. आंसर इज 4 0 0 4. क्वेश्चन नंबर 27 में हमें मैट्रिक्स ए गिवन है. फाइंड ए टी मल्टीप्लाई बाई ए. ए टी इज द ट्रांसपोज मैट्रिक्स एंड ए मल्टीप्लाई बाई ए टी वेयर ए टी इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए. मैट्रिक्स ए हमें गिवन है. ट्रांसपोज मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट होती है अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दें. तो मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो है 2, 1, -1. दिस विल बिकम फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो 0, 1, -2 विल बिकम सेकेंड कॉलम. दिस इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए. ए टी फॉर फर्स्ट पार्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई ए टी बाय ए. पहले चेक करेंगे इट इज पॉसिबल और नॉट. ये हमने ए टी की वैल्यू पुट की है एंड
दिस इज मैट्रिक्स ए. ऑर्डर ऑफ 80 इज 3 रोज एंड 2 कॉलम एंड दिस इज 2 रोज एंड 3 कॉलम. दीज आर इक्वल. इट मीन्स मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल एंड द फाइनल आंसर विल बी ऑफ ऑर्डर 3/3. तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं. This is answer for part 1. In part 2, we have to find A multiply by 80. This is matrix A and 80. This is of order 2/3 and this is of order 3/2. Multiplication is possible and the answer will be of order 2/2. This is the answer for part 2. Question number 28. If m is equal to this, show that 6m minus m square is equal to 9i, where I is a 2/2 unit matrix. So, chaliye. लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं जो हमें प्रूव करना है. 6m माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू 9i. वी आर कंसीडरिंग लेफ्ट हैंड साइड दैट इज 6m माइनस m स्क्वायर. मैट्रिक्स m की हम वैल्यू पुट कर रहे हैं. m स्क्वायर मींस m मल्टीप्लाई बाय m, m मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ. 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट की रो सेकंड की कॉलम. सबट्रैक्ट करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सबट्रैक्ट होंगे. 24 माइनस 15 9 हम कॉमन ले सकते हैं एंड दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स 9i. दिस इज द राइट हैंड साइड. प्रूव कर दिया हमने. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 29 में हमें टू मैट्रिक्स गिवन है मैट्रिक्स P एंड मैट्रिक्स Q. फाइंड X एंड Y सच दैट PQ इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स मींस जिसका हर एलिमेंट जीरो होगा. कंडीशन हमें गिवन है पी क्यू इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिला है वो एक नल मैट्रिक्स है. तो चलिए पी और क्यू की वैल्यू पुट कर रहे हैं. मल्टीप्लाई करते हैं. नल मैट्रिक्स मीन्स ईच एलिमेंट इज जीरो. अब इन ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, इट मीन्स इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे. आप किसी भी टर्म को इक्वेट करके एक्स और वाई फाइंड आउट कर सकते हैं. सपोज हम इसको इक्वेट करें, दिस इज इक्वल टू दिस. 6 प्लस 6y इज इक्वल टू जीरो मीन्स y इज इक्वल टू माइनस 1. सेकेंड एलिमेंट को हम इक्वेट करें, एक्स इज इक्वल टू माइनस 6. अब आप अगर रिमेनिंग एलिमेंट्स को भी इक्वेट करते हैं तो आपको आंसर सेम मिलेगा. सपोज आप इसको इक्वेट कर रहे हैं तो देखिए चेक कर लेते हैं जस्ट कंफर्मेशन के लिए. वाई इज इक्वल टू माइनस 1, वही हमने फाइंड आउट किया था. इसको अगर आप इक्वेट करेंगे x इज इक्वल टू माइनस 6. तो आप किसी भी एलिमेंट को इक्वेट करके वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं. x इज इक्वल टू माइनस 6, y इज इक्वल टू माइनस 1. क्वेश्चन नंबर 30, हमें जस्ट टू मैट्रिक्स गिवन है और इनको हमें मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फाइंड
फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट है 2 cos 60। cos 60 की वैल्यू पुट कर रहे हैं, दैट इज 1/2। सेकेंड एलिमेंट इज 2 sin 30। साइन 30 इज ऑल्सो 1/2 माइनस 10 45। 10 45 इज 1, cos 0 इज 1। सिमिलरली इन सेकेंड मैट्रिक्स फर्स्ट एलिमेंट cot 45, दैट इज 1, सेकेंड cosec 30 means 1 upon sin 30, that is 2, sec 60, 1 upon cos 60, 2, sin 90, 1, 1 minus 1, minus 1 and 1, and second is 1, 2, 2, 1. अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिस इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 31, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं जिनको हमें विद रीजन ट्रू और फॉल्स बताना है. एमसीक्यूज के लिए अगर आप इसको देखें तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये है. स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. ए बी सी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/2. 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है, इट मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एवरीथिंग इज पॉसिबल बिटवीन दीज मैट्रिसेस. फर्स्ट पार्ट में हमें देखना है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. तो ये हमने स्टार्टिंग में ही स्टडी किया था, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव. इट मींस इट इज ट्रू एंड द रीजन इज Addition of matrices is commutative. Second statement है A minus B is equal to B minus A. This is not true because subtraction of matrices is not commutative. This is a false statement. Because subtraction of matrices is not commutative. Now, let us see third statement, that is B multiplied by C multiplied by A is equal to B multiplied by C and A. Means, पहले हम B और C को multiply करें, then multiply by A, और इस right hand side में हमें पहले matrix C और A को multiply करना है, और फिर B से करना है. That is true, because multiplication of matrices is associative. ये सब हमने starting में जब हमने इसके concepts study किए थे matrix के multiplication के, उस video में मैंने आपके साथ share किया है. Let us see fourth statement. A plus B multiplied by C is equal to AC plus BC. This is also a true statement. Because multiplication of matrices is distributive over the addition and as well as on subtraction. Let us see fifth statement. A multiplied by B minus C is equal to AB minus AC. This is also true because multiplication of matrices is distributive over subtraction. Next statement. A minus B multiplied by C is equal to AC minus BC. This is also true due to of this reason. Next, A square minus B square is equal to A plus B A minus B. अगर इसको हम algebra में देखें, then it is true. लेकिन matrices does not follow the rules of algebra. It is a false statement. Agar A or B matrix hain, toh ye true nahi hoga. Next and last statement. A minus B whole square
is equal to a square minus 2ab plus b square. This is also a law of algebra, but it is not applicable on matrices. It means it is a false statement. इसके साथ ही एक्सरसाइज 9C हमने कंप्लीट की है. नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 9D. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.